राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा चल रही है। परीक्षा की तैयारी के लिए बच्चों में जी जान से मेहनत का असर दिख रहा है, और लेकिन ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल होते से बच्चे मोबाइल की टॉर्च जलाकर उजाले में पढ़ाई के लिए मजबूर हो रहे हैं। रात के वक्त बिजली नहीं आती है, बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है इसलिए मोबाइल के टॉर्च जलाकर ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। एक तरफ पढ़ाई का टेंशन और दूसरी तरफ गर्मी की मार। भरतपुर में तापमान 42 डिग्री से ऊपर चल रहा है, गर्मियों में लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में बिजली का नहीं आना लोगों को परेशानी का सबब बन रही है। देखने वाली बात यह है कि अभी कुछ समय दिन पहले ही बिजली विभाग ने एक आदेश निकाला था कि रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बिजली नहीं जानी चाहिए, लेकिन इस बात ने तूल पकड़ना शुरू किया तो बिजली विभाग ने उसमें संशोधन कर दिया। लेकिन फिर भी बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है कि कोरोना की वजह से पहले ही 2 साल से बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो मैंने अभी देखा कि गांव में इस समय जो देखा जा रहा है, जो 10वीं और 12वीं के इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और लाइट का जो सिस्टम है इतना थर्ड क्लास चल रहा है कि इसमें बच्चों के भविष्य के साथ में देखा जाए तो राज्य सरकार के द्वारा बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने अभी देखा कि बच्चे अंधेरे में अपने अपने मोबाइलों से और जो टॉर्चें होती हैं उनसे पढ़ रहे थे गर्मी में, और मच्छरों के साथ में इस समय देखा जा रहा था कि उनकी हालत इतनी खराब हो रही थी। इधर पेपर का तनाव, इधर लाइट ना आने से गर्मी का तनाव, इन दोनों चीजों के साथ अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो ग्रामीण बच्चा है